हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मोस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज कौन सी हैं, यानी मुनाफा वाली कंपनीज कौन सी हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं, सो डोंट मिस योर चांस, ग्रैब इट नाउ, कॉल मी नाउ, आस्क मी हाउ। एवरीवन, दिस इज मी एहसान आरिफ खान फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स, और आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान और तालिबान की। एज यू नो दैट पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड आर्म ग्रुप तालिबान TTP हैव डिसाइडेड टू फॉर द सीज़ फायर, और ये सीज़ फायर जो है पिछले 1 महीने से इसके ऊपर बात चल रही थी, और अब ये डिसाइड हुआ है कि November 9th से आज से जो है वो सीज़ फायर जो है वो एग्रीड हुआ है, और December 9th तक जो है ये चलेगा। और इससे जो है वो इसकी वजूहात भी मैं आपको बताऊँगा, द रीज़न बिहाइंड इट इज़ टू कंट्रोल द पीस, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंड विच रिलेटेड टू नॉर्दर्न रिलेटेड एरियाज़। और इस पर जो है वो इम्पैक्ट भी काफ़ी पड़ेगा तालिबान जो ये अफगानिस्तान तालिबान से जो है वो डिफरेंट एक तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान, जिनसे जो है एग्रीमेंट हुआ है पिछले कई महीनों से जो है बात चल रही थी, और इस पर फर्दर डिसाइड किया जाएगा कि इस पर जो है फर्दर जो है वो सीज़ फायर जो है वो किया जाए नहीं। 1 महीने तक तो सीज़ फायर की एग्रीमेंट आज हुई है और तालिबान जो है वो डिसाइड भी किया है, और इससे हमारी काफ़ी चीज़ें बेहतर भी होंगी, जो हमारी ग्रोथ रुकी पड़ी है और जिसकी वजह से महंगाई भी हो गई है, ऑयल प्राइसेस हाई हो गए हैं, कोल प्राइसेस आधी हो गई थी, और लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी दर्जा पर जो है वो महंगाई की तरफ है, स्टॉक मार्केट पे भी असरात पड़ रहे हैं। और आज गवर्नमेंट और पाकिस्तान तालिबान ने जो है वो एग्रीमेंट किया है जो है सीज़ फायर का, वो एक जिसकी मुदत 1 महीना है, आज November 9th से जो है वो December 9th तक ये चलेगा। फर्दर इस पर डिसाइड किया जाएगा कि इस सीज़ फायर को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। और तालिबान जो है आप जानते हैं कि तालिबान से जो है वो मुज़ाकरात करना ज़रूरी हैं, और ये हमारे लिए जो है वो जिस स्टेज पर इस वक्त मुल्क खड़ा है और काफ़ी चीज़ों का शिकार है, काफ़ी तंगियों का शिकार है, और तालिबान की सपोर्ट हमें ज़रूरत है, तालिबान की और तालिबानों की सपोर्ट की, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान और ये तालिबान TTP आर्म ग्रुप तालिबान TTP जो है वो एक मुख्तलिफ मुल्क है, और जो है वो इस चीज़ को जो है हम लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी सोच रही है और मुल्क के बेहतर फैसलों के लिए सोच रही है, मुल्क के बेहतर फ्यूचर के लिए सोच रही है, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, आवाम के लिए गुजारा करना मुश्किल है और लोग सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, और इस पर जो है वो फोकस भी किया जा रहा है काफ़ी। और आज जो है वो मीटिंग भी डिसाइड हुई, फवाद चौधरी साहब ने जो है बताया भी कि किस तरह से ये 1 महीना पहले से बात चल रही थी, जिसका जो है प्रोसीजर आज कम्प्लीट हुआ है, और इसको फर्दर भी कंटिन्यू करेंगे या नहीं उसके बारे में भी पहले 1 महीना देखेंगे, उसके बारे में फिर फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये आज की रिपोर्ट थी, अब हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कुछ नई अपडेट्स के साथ आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होगी, देखते रहेगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।